हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर चर्चा में। हालांकि आपको बता दें कि इस फिल्म को फेमस डायरेक्टर फरहाद सामजी बनाने जा रहे हैं, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान मुख्य भूमिका में एक्शन करते नजर आएंगे। सलमान खान के साथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी नजर आएंगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में जहीर इकबाल और आयुष शर्मा भी अहम भूमिका में नज़र आ सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई। लेकिन हाल ही में इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्म को और दिलचस्प बनाने के लिए साउथ स्टार अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के एक दमदार अभिनेता को कास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि सुपरस्टार सलमान खान ने इस फिल्म के लिए पुष्पा संगीतकार देवी श्री प्रसाद को अपनी फिल्म में लिया है। बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन बता दें कि श्री देवी श्री प्रसाद साउथ सिनेमा के जाने माने संगीतकार रह चुके हैं, जिन्होंने कई सुपरहिट गानों के जरिए इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। हालांकि देवी श्री प्रसाद के संगीत पर बने पुष्पा के सभी गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए। ऐसे में अब सुपरस्टार सलमान खान भी देवी श्री प्रसाद को अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं, जबकि कहा जाता है कि म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के खास व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर तेलुगु इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री कई ब्लॉक में कई ब्लॉकबस्टर गाने दिए। दोस्तों, इनकी मूवी कभी ईद कभी दिवाली सलमान खान की स्टारर मूवी है, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। थैंक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।